मतलब कि मेरे पास घर है, मेरा परिवार है। हेलो फ्रेंड्स, मेरे एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज कुछ बात करते हैं। वैसे हम सब के लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है कि नहीं? कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है तो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव, कोई हर बात में बस क्या होता रहता है, फिर कोई एकदम खुशी खुशी चाहे कैसी भी सिचुएशन हो अच्छे से संभाल लेता है। ऐसे जितने लोग उतने तरह की लाइफ और उतने तरह के लाइफ को जीने की स्टाइल। इसी बात पे मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, चलिए आपको भी बताती हूँ। एक आदमी था, वो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा टेंशन में था, और टेंशन किस बात की ना, उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उसके आमदनी तो बढ़ी नहीं रही थी और खर्चे हैं कि बढ़ते ही जा रहे थे, घर का कोई प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होता, आए दिन कोई रिश्तेदार आ धमकता, फिर बीवी बच्चों के अपने डिमांड्स, ये सब पूरा करते 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 वो आदमी एकदम मतलब कि परेशान हो चुका था। और आए दिन वो अपने बीवी के साथ झगड़ा करता, बच्चों के ऊपर जब तब हाथ उठा देता, ऐसे चल रहा था। और इस बात से वो खुद भी बिल्कुल खुश नहीं था, दूसरों के साथ ऐसे व्यवहार से वो बहुत ही दुखी रहता था। एक तो परेशानी, ऊपर से इस तरह से दुखी, तो आदमी करे तो क्या करे। तो हुआ यूं कि एक दिन वो ऐसे ऑफिस से आया और जैसे ही सोफे पे बैठा, उसका बेटा आया और बोला, पापा मुझे होमवर्क मिला है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप मेरा हेल्प कर दो। इतना सुनते ही वो आदमी अपने बच्चे को डांट के वहाँ से भगा दिया, चल भाग यहाँ से, मैं परेशान हूँ, अभी मैं तेरा मदद नहीं कर सकता। बच्चा रोते रोते अपने कमरे में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद उस आदमी को एहसास हुआ कि उसने बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, और फिर जैसे ही बच्चे के पास गया उसको सॉरी बोलने, तो देखा कि बच्चा अपने हाथ में अपनी कॉपी और पेन लेके ऐसे ही सो गया है और उसमें कुछ लिखा हुआ है। जैसे ही वो अपने बच्चे की कॉपी को उठाता है, उसमें कुछ लाइंस लिखे होते हैं, बच्चे को जो होमवर्क मिला था वो आधा अधूरा किया हुआ होता है। बच्चे को एक निबंध लिखने के लिए बुला गया था और उसका शीर्षक था, जो पहले अच्छा ना लगे लेकिन बाद में अच्छा लगे। बच्चे ने कुछ इस तरह लिखी थी, बच्चे ने अपने कॉपी में लिखा था कि मुझे एग्ज़ाम्स शुरू में बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, क्योंकि दिन रात जागते हुए पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन उसके बाद छुट्टी भी तो मिलते हैं, जहाँ हम घूमने जाते हैं, बहुत सारे मज़े करते हैं। फिर आगे लिखा था कि मुझे वो सुबह जगाने वाली अलार्म पसंद नहीं, क्योंकि मुझे वो सोते नींद से जगा देता है, लेकिन उठने के बाद ये पता चलता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ। फिर आगे उसने लिखा कि मुझे वो कड़वी दवाइयाँ बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि खाने में बहुत ही बोरिंग होती है, बहुत ही कड़वी होती है, लेकिन वही कड़वी दवाई हमारी बीमारियों को यूँ छूमंतर कर देती है। फिर उसके आगे उसने लिखा था कि मुझे पापा की डांट पसंद नहीं, लेकिन फिर ये लगता है कि चलो मेरे पापा तो हैं ना, जो कि मुझे डांटते भी हैं और फिर बाद में मुझे खूब घुमाने लेके जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाते हैं, मेरे सारे डिमांड्स पूरे करते हैं, मुझे कितना प्यार करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त की तो पापा ही नहीं है। और इतना पढ़ते ही वो आदमी
धम से नीचे बैठ जाता है और फिर ये सारी चीज़ें उसको झकझोर देती हैं। खासकर ये लास्ट वाली लाइन, वो आदमी सोचता है कि मैं सारे खर्च उठाता हूँ, मतलब कि मेरे पास एक अच्छी खासी नौकरी है जिससे मैं इतना तो कमाता हूँ कि सब खर्चे उठा पाऊँ। मैं सबकी जिम्मेदारी उठाता हूँ, इसका मतलब है कि मेरे पास एक घर है, मेरा एक परिवार है। हे भगवान, उनका क्या जिनके पास कोई घर नहीं, अपना कहने के लिए कोई नहीं, दुनिया में एकदम अकेले हो। मेरे घर आए दिन नाते रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स आते रहते हैं, इसका मतलब ये कि मैं अपना एक सामाजिक दायरा रखता हूँ जहाँ मेरे सुख दुख में खड़े होने वाले मेरे अपने हैं, और मैं बहुत खर्चा भी करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं खर्चा करने में सक्षम हूँ, कईयों से बहुत ही अच्छी स्थिति में हूँ और सुखी भी हूँ। हे भगवान, मुझे माफ़ करना कि मैं तो सब चीज़ों में बस नेगेटिविटी देख रहा था, लेकिन मेरे पास तो इतना कुछ है, जो खुश होने के लिए इतना कुछ है। धन्यवाद आपका मुझे ये सब देने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये अक्सर हर किसी के साथ होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ। हमारा दृष्टिकोण थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। हम अपने नज़रिया थोड़ा बदलेंगे, अपना थोड़ा दृष्टिकोण बदलेंगे, तो हमारे लाइफ को जीने का तरीका ही बदल जाएगा, एक अलग ही मज़ा आएगा अपने लाइफ में। और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइफ के लिए, हमें इतना कुछ देने के लिए, है कि नहीं। तो आज का ये छोटू सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, एक लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिए। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।